Hello everyone, I am Mohit Mittal from Little Angel School. So today we will start of class 6, chapter number 1. Chapter name is numbers. The first topic is comparing two numbers. आपको two numbers given है, box given है. आपको box के अंदर sign put करना है, greater than का और less than का. Comparison करना है, comparing करना है two digits को. So how we will? Case 1 आपके पास क्या बन रहा है question का? If the two numbers have different number of digits, it means क्या है? Question के अंदर आपको दो digit given होगी. Yes or no? दो digit given होगी. उसमें जो total number है counting, इसमें total number क्या counting? 1, 2, 3. और इस digit में 6, 2, 3, 5 में total number क्या है? 1, 2, 3, 4. Total number क्या है? 4. तो difference है total number. तो इस question को कैसे solve करेंगे? कैसे comparison करेंगे? Step first आपके पास count the total number of digit in each number. Each digit में आपको total number count करने हैं कितने हैं. So in this digit 4, 3, 5 में total number क्या है? 3. और इस digit में total number क्या है? 4. तो जिस digit में ज़्यादा number होंगे वो digit क्या होगी? Greater than. Greater than का sign उस digit की तरफ लगाना है जिसमें total number ज़्यादा होंगे. Is it clear? Next question लेके चलते, जैसे आपके पास मैंने question ले लिया 3, 2, 6 box और digit आपके पास है 3, 2, 4, 0. अब आपको check करना है कि 3, 2, 6 and 3, 2, 4, 0 में से comparison करके बताना है कि कौन सी digit बड़ी है और कौन सी digit छोटी है. Greater than और less than का आपको sign लगाना है. तो case 1 क्या बन रहा है? If the two numbers have different number of digit. अच्छा, step क्या है? Count करो total digit को. हाँ जी, 1, 2, 3. So total number क्या हो गए? 3. और इस digit में check करो 1, 2, 3, 4. इसमें total number क्या हो गए? 4. ज़्यादा किस में है number? इस digit में. तो greater than का sign किसकी तरफ लगेगा? मुंह किसकी तरफ खुलेगा? इस digit की तरफ. तो ये आपके पास हो गया, ये first case हो गया जिसमें जो digit आपको given होगी उसमें total numbers जो हैं उनकी counting क्या होगी? Different होगी. अब second case आपके पास क्या बन रहा है? जिसमें जो आपको numbers given होंगे उनमें same counting होगी, उनका जो total counting है वो same होगा. Let take example. Case second में क्या होगा? If the two numbers have same number of digit. Question जैसे मैंने पास example लिख लिया आपके पास 7, 3, 2, 8 box का sign 7, 3, 6, 9. अब देखो total number क्या है इसमें भी? 1, 2, 3, 4. Total number क्या है? 4. और इस digit में check करो 1, 2, 3, 4. तो इसमें भी total number क्या है? 4. अब total number दोनों में 4 है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी डिजिट छोटी है? ग्रेटर देन और लेस देन को कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आपके पास क्या करना है? स्टेप फर्स्ट चेक एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट. सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड से चेक करना है जो डिजिट इक्वल आ रही है, ठीक है. जिसकी डिजिट पहले बड़ी आएगी वो डिजिट ग्रेटर देन होगी. अच्छा, इसमें देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? 7. इसमें भी क्या आ रहा है? 7. तो बोथ आर इक्वल. अच्छा, अब इसमें देखो क्या चेक कर, सेकंड प्लेस पे क्या आ रहा है? 3. अच्छा, इधर यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से भी 3 आ रहा है, ये भी इक्वल है. अच्छा, अब इसमें क्या आ रहा है? 2. और यहाँ से थर्ड प्लेस पर क्या आ रहा है? 6. तो 2 बड़ा है या 6 बड़ा है? 6. अच्छा, 6 की तरफ बढ़ेगा साइन आएगा ग्रेटर देन का. सो ये डिजिट की तरफ कौन सा साइन आएगा? ये वाला साइन आएगा. तो हम क्या कहेंगे? 7, 3, 6, 9 ग्रेटर देन, ग्रेटर है किससे? 7, 3, 2, 8 से. एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे. एक एग्जांपल लेके और समझाते हैं आपको. 6, 9, 2, 8 बॉक्स 6, 8, 3, 7. अब आपको इन दोनों में चेक करना है कौन सी डिजिट ग्रेटर है कौन सी डिजिट लेस देन है. तो फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग क्या है? 1, 2, 3, 4. इसमें भी टोटल नंबर क्या है? 4. तो हम ऐसे तो चेक कर नहीं सकते बिकॉज बोथ साइड में बोथ डिजिट में टोटल काउंटिंग क्या है? 4. तो कौन सा स्टेप करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड से चेक करो. लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट क्या है? 6.
यहाँ से भी सिक्स तो इक्वल है, बोथ आर इक्वल। सेकंड डिजिट चेक करो नाइन, सेकंड डिजिट चेक करो एट। अच्छा दोनों इक्वल नहीं है, नाइन ग्रेटर है या एट, नाइन बड़ा है या एट, नाइन। अच्छा नाइन बड़ा है तो आंसर में क्या लिखेंगे, 6928। ये वाली डिजिट की तरफ ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा और यहाँ पे ये 6837 आ जाएगा। अब आपके ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं, ये आपके एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट है। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आपने खुद में सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। आपको फाइव नंबर्स गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो रूल नंबर वन क्या है, काउंटिंग करेंगे टोटल डिजिट में कि सबसे ज़्यादा डिजिट किस में। अच्छा टोटल करो काउंटिंग डिजिट, 1 2 3 4, इसमें टोटल डिजिट क्या है, 4। अच्छा इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गया, 5। इसमें चेक करो 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गया, 3। अच्छा इसमें चेक करते हैं 1 2 3 4, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गया, 4। और इसमें भी 1 2 3। अच्छा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर होंगे। तो सबसे ज़्यादा नंबर किस में है, इसमें 4 3 4 3। सबसे ज़्यादा नंबर किस में, 90425 में। हाउ मेनी नंबर, 5 नंबर। सो ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी हो जाएगी, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 90425। हाँ जी अब स्मॉलेस्ट नंबर बताना आपको, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसमें सबसे कम डिजिट होंगी, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसमें सबसे कम डिजिट होंगी। अब सबसे कम डिजिट क्या है, 3 है, 105 में भी 3 है बट 318 में भी 3 है, 105 318। अब इसमें तो दोनों में 3 है तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट डिजिट चेक करो लेफ्ट हैंड साइड से, 1 इसमें 3। स्मॉलेस्ट चेक करनी है तो छोटी डिजिट चेक करो कौन सी है, 1 छोटा है या 3 छोटा है, 1 छोटा है तो 1 की तरफ लेस देन का साइन लगा दिया, 1 छोटा है इट मीन्स 105 छोटा है लेस देन 318, 105 लेस देन 318। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 105। तो स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू 105। आगे बात समझ में, कैसे चेक करें एक बार रिपीट कर देता हूँ। टोटल काउंटिंग करो डिजिट की, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, 3 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है। ग्रेटेस्ट डिजिट आपको बतानी है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं वो क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटेस्ट डिजिट। अच्छा स्मॉलेस्ट नंबर के लिए जिसमें सबसे कम डिजिट हो, सबसे कम डिजिट के लिए दो केस आपके पास आ रहे हैं, 105 भी सबसे स्मॉलेस्ट है, 3 नंबर्स हैं और 318 में भी 3 नंबर्स हैं। अब दोनों में सेम नंबर्स आ गए टोटल जो इनका है, तो हम कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट डिजिट लेफ्ट हैंड साइड से चेक की, 105 में 1, 318 में 3। अच्छा 1 और 3 में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 1 है, 1 छोटा है इस मीन्स 105 लेस देन 318, 105 क्या हो गया स्मॉलेस्ट नंबर हो गया कंपेरिजन टू दी 318। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 105। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने। डी पार्ट करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, डिजिट आपके पास 4537 4890 4370 4453। अब आपको इसमें चेक करना है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो फर्स्ट रूल क्या है, टोटल काउंटिंग कर लो सभी डिजिट में क्या है, 1 2 3 4 इसमें भी 4 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 है। अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सब में सब इक्वल डिजिट है, सब में 4 डिजिट है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले सबकी लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लो, फर्स्ट डिजिट चेक करो लेफ्ट हैंड साइड से, फर्स्ट डिजिट चेक की
इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। फर्स्ट डिजिट क्या है? इक्वल है। फर्स्ट डिजिट 4 इक्वल। सेकंड डिजिट चेक करो किसमें बड़ी है। सेकंड डिजिट इसमें 5, इसमें 8, इसमें 3 और इसमें 4। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हुई? 8। इट मींस क्या? 4890 ग्रेटेस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर इज 4890। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, सबसे पहले टोटल नंबर काउंट कर लिए, सब में इक्वल आ रहा है। अगर किसी में ज़्यादा होते तो डायरेक्ट आंसर लिख देते, बट सब में इक्वल है तो कैसे चेक करेंगे? लेफ्ट लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट चेक की, वो तो सब में इक्वल आ रही है, 4444। अच्छा, फर्स्ट डिजिट इक्वल आ रही है तो सेकंड डिजिट चेक करेंगे। सेकंड डिजिट किसमें बड़ी है? इसमें 5834, तो किसमें बड़ी है? 8। अगर सेकंड डिजिट भी इक्वल आ जाती तो क्या करते? थर्ड डिजिट को चेक करते। थर्ड डिजिट भी इक्वल आती तो क्या करते? फोर्थ डिजिट को चेक करते, तो आपको कहीं ना कहीं आंसर मिल जाता। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा।